हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत यादव है और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान मोटिवेटेड कैसे रह सकते हो। तो मैंने यूपीएससी में 6 अटेम्प्ट्स दिए हैं एंड ऑब्वियसली उन 6 अटेम्प्ट्स में मैं कई बार फेलियर फेस किया, कभी बार प्रिलिम्स नहीं हुआ, कभी मेंस नहीं हुआ। एक बार तो मतलब इंटरव्यू क्लियर करने के बाद भी, रैंक लाने के बाद भी मतलब प्रॉब्लम्स आई। तो आई हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम थिंकिंग अबाउट कि भाई मुझे मोटिवेटेड कैसे रहना है, क्यों कर रहा हूँ मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ, एंड किस तरीके से आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, आप यहाँ इससे सीख सकते हैं। सो बिफोर वी बिगिन, ये मेरे बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं वो यहाँ इसे देख सकते हैं, एंड ट्विटर या इंस्टाग्राम पे आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सबके मैसेजेस का रिप्लाई करूँ। थोड़ा टाइम इसमें लग सकता है बट ऑब्वियसली मेरी कोशिश रहेगी कि भी मैं सारे मैसेजेस का रिप्लाई करूं। सो लेट्स बिगिन विद टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। तो दो तरीके की मोटिवेशन होती है, एक होती है अंदरूनी मोटिवेशन विच इज कॉल्ड इंट्रिंसिक, और एक होती है बाहरी मोटिवेशन एक्सट्रिंसिक। तो अंदरूनी मोटिवेशन क्या होती है कि भाई आप अपने आप को मोटिवेट कर पाते हो कि भाई आप यू आर ड्रिवन बाय 3 थिंग्स, ऑटोनॉमी, मास्टरी एंड पर्पस। इनके बारे में हम और बात करेंगे अभी। एंड जब बाहरी मोटिवेशन आपकी होती है तो आप ड्रिवन होते हो चीज़ों से, जैसे कि पैसा या लाल बत्ती जिसको बोल सकते हो आप, या फिर घर वालों के का डंडा, या फिर भाई मतलब आपको समाज में इज्जत चाहिए। तो ये जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं, ये ऐसी चीजें होती हैं कि भाई आपको किसी ने बोल दिया, आपको पुश किया, या आपको बोला कि भाई अगर आप ये कर लोगे तो ये मिल जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और इंट्रिंसिक जो चीजें होती हैं वो आपके अंदर से आती हैं कि भाई आप ये क्यों करना चाहते हो, क्योंकि आप इससे कुछ और हासिल करना चाहते हो, या आप अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हो, या आप समाज में या देश में या किसी के लिए या अपने लिए कुछ और बेहतर करना चाहते हो, राइट? सो इंट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में आप थोड़ी बात कर देते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि भाई खुद को प्रेरित कर पाना इज कॉल्ड इंट्रिंसिक मोटिवेशन। कि भाई यहां पे आप ऑटोनॉमी पे फोकस करते हो। ऑटोनॉमी का मतलब क्या है कि भाई आप इंडिपेंडेंटली जो भी कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, आप सोच समझ के कर रहे हो। इसमें आप ये बात नहीं आएगी कि भाई मतलब आपको यूपीएससी क्लियर करना है तो भाई अपने लिए कर रहे हो, माँ बाप के लिए नहीं कर रहे हो, ऐसे वैसे। दैट इज नॉट द पॉइंट हियर। ऑटोनॉमी का मतलब है कि भाई अगर आप यूपीएससी करने के लिए सोच रहे हो तो ये आपका डिसीजन है, किसी और ने आपको नहीं बोला था, कोई मामा चाचा के नहीं बोल के चले गए कि बेटा तुम यूपीएससी कर लो और फिर आप कर रहे हो। आपने ऑटोनॉमसली ये डिसीजन लिया है। दूसरी चीज मास्टरी, कि भाई खुद को श्रेष्ठ बनाने के लिए आप कोशिश कर रहे हो। अब इसमें ऐसा नहीं होगा कि मतलब आप जबरदस्ती हिस्ट्री पढ़ रहे हो या पॉलिटिक्स समझ नहीं आ रही फिर जबरदस्ती कर रहे हो कि नहीं 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 यूपीएससी क्लियर करना है इसलिए पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़ रहे हो क्योंकि आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, आप खुद को श्रेष्ठ बनाने के लिए पढ़ रहे हो, आप मास्टरी की तरफ जा रहे हो। तो जब ऑटोनॉमी होती है, जब मास्टरी होती है, तो अपने आप को मोटिवेट कर पाना आसान होता है। तीसरी चीज कि भाई यू इग्नोर द वर्ल्ड टू फोकस ऑन वट मैटर्स। अपने जीवन के उद्देश्य की ओर बढ़ते चलो। मतलब कि जब आपको क्लियर होगा कि आप क्यों कर रहे हो ये चीजें, तो आपके लिए बहुत आसान होगा अपनी चीजों पर फोकस करना कि भाई यूपीएससी क्यों करना चाहते हो आपको पता है, तो इस कारण से भी नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप के बाद क्या है, मेरे टारगेट्स क्या हैं, मेरे गोल्स क्या हैं, वो आपको बनाने में काफी आसानी रहती है। और जब आप अपने गोल्स टारगेट्स खुद सेट कर पाते हो, जब आप अपने लिए गेम प्लान खुद बना पाते हो, तो जाहिर सी बात है आपने आप को मोटिवेटेड रखना भी थोड़ा आसान रहता है। तो अगर आपको अपने आप को मोटिवेट करना है, अगर आपको अंदरूनी मोटिवेशन की तरफ जाना है, तो स्टार्ट विद वाई। सबसे पहले अपने आप से ये सवाल पूछिए कि भाई वाई आर यू प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। अब इसके कई तरीके के जवाब होते हैं, मतलब सबका अलग जवाब होता है। बहुत लोग मतलब इसमें ऊपर ऊपर से जवाब दे देते हैं कि भाई मुझे देश सेवा करनी है, समाज सेवा करनी है। ठीक है, मतलब अच्छे जवाब है, मैं यहाँ पे आपका इंटरव्यू नहीं ले रहा हूँ,
ना ही मेरा मकसद है यहाँ पे आपसे कि भाई मतलब मैं सवाल जवाब करूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप अपने आप से ये सवाल करो कि आप तैयारी क्यों कर रहे हो। अपने आप को ये बताओ कि भाई ये तैयारी क्यों ज़रूरी है। जब आप अपने आप को कन्विंस कर लोगे, सॉरी अबाउट दैट, मेरी राइटिंग थोड़ी यहाँ पे खराब आ रही है, कन्विंस कर लोगे कि भाई मुझे तैयारी इस कारण करनी है, तो उसके बाद मोटिवेशन आराम से आता है। उसके बाद धक्का नहीं मार रहे होते हो आप। जब आपको नहीं पता है कि आप क्यों तैयारी कर रहे हो, तो फिर रोज सुबह उठ के आपको अपने आप को धक्का मारना पड़ेगा। तो फिर ऑब्वियसली बात है कि भाई मोटिवेशन थोड़ी कम रहेगी, मोटिवेट करना भी अपने आप को थोड़ा मुश्किल रहेगा। दैट इज वाई आई से स्टार्ट विद वाई। ये क्वेश्चन आप अपने आप के लिए फॉर योर ओन सेल्फ आंसर कर रहे हो। मुझे इसका जवाब नहीं चाहिए, किसी और को देने की ये जवाब जरूरी नहीं है। आपको बस पता होना चाहिए कि भाई आप तैयारी क्यों कर रहे हो, राइट? क्योंकि तैयारी के दौरान आपकी जर्नी थोड़ी ऐसी उबड़ खाबड़ सी रहती है, राइट? सो दिस इज अ टिपिकल लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व का मतलब क्या है कि भाई जितना आप एक्सपीरियंस आपका होता है और जितना टाइम आप यहाँ स्पेंड करते हो, उसमें कुछ ऐसा रिलेशन रहता है कि जब जो लोग नई नई तैयारी शुरू करते हैं, तो भाई सबको लगता है कि ओ हो, हम ही 30 मार्क खाए हैं भैया, सब चीज़ हमें ही आती है, इससे पहले जो टॉपर्स थे सब बेकार थे, सब किसी को कुछ नहीं आता था, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं ही क्लियर करूंगा। फिर यहाँ तक थोड़ी बहुत पढ़ाई हो चुकी होती है, इसके बाद टेस्ट आता है, तो टेस्ट में परफॉर्मेंस नीचे जाती है, तब याद आता है कि भाई मतलब कहाँ हवा में उड़ रहे थे, ये थोड़ा मुश्किल है। बट अगर इस मोमेंट पे आप दोबारा मेहनत करने के लिए तैयार हो कि नहीं, अगर आपको पता है कि भाई व्हाई आर यू डूइंग यूपीएससी, तो यहाँ इस मोमेंट पे आप दोबारा मेहनत करने के लिए राजी हो गए, तो फिर आपकी जर्नी दोबारा ऊपर जाएगी। बट ऐसा नहीं है कि फिर ऊपर ही जाती रहेगी, दोबारा आपको सेटबैक्स आएंगे। लाइक फॉर इंस्टेंस कि भाई बहुत लोग ऐसे होते हैं, पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं, मेंस क्लियर कर लेते हैं, बट इंटरव्यू में अटक जाते हैं। बहुत लोग होते हैं जो पहले अटेम्प्ट में पूरा पेपर क्लियर कर लेते हैं। बट एवरीबडी हैज़ अ लर्निंग जर्नी। आप अगर जान पाओगे कि भाई आप क्यों तैयारी कर रहे हो, वाई आर यू प्रिपेयरिंग, तो ये जर्नी, ये जो ऊबड़ खाबड़ ऊपर नीचे वाला रास्ता है, और जब आप यहाँ पे नीचे वाले पार्ट्स में होगे, जब जैसे टेस्ट का रिजल्ट नहीं आया, या प्रीलिम्स में फेल हो गए, या भाई मेंस में फेल हो गए, जब भी दिक्कत आती है, वेन एवर यू आर इन ट्रबल, सो दैट इज वेन यू मस्ट रिमेंबर वाई यू स्टार्टेड। तो ये बहुत ही जरूरी है अगर आपको अपने आप को मोटिवेट करना है कि आपको पता हो कि आप ये क्यों कर रहे हो। अब ये कारण आपका है, अपने आप को बताइए, किसी और को बताए नहीं, कि अगर आपको इच्छा है तो बताइए, नहीं है तो मत बताइए, बट आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। नो योर सेल्फ। अपने आप को जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो, हर किसी का अलग अलग एक दुनिया को देखने का नजरिया होता है, हर किसी की अलग अलग आदतें होती हैं, हर किसी का अलग अलग एक अंदाज होता है। तो अब जैसे कुछ लोग होते हैं जो भाई अर्ली बर्ड्स होते हैं, अर्ली बर्ड्स, कि भाई दे वेक अप एट 5 AM एंड बढ़िया सवेरे फोकस रहता है। कुछ लोग होते हैं जो होते हैं नाइट आउल्स, जो भाई 5 बजे सोते हैं, है ना? तो अपने आप को अगर आप जानते हो, तो आप ये जान पाओगे कि भाई आपके लिए सबसे इफेक्टिव एंड एफिशिएंट पढ़ने का टाइम क्या है, मोस्ट एफिशिएंट टाइम टू लर्न। एंड जब आपकी तैयारी एफिशिएंटली होती है, जब आप अपने गोल्स बढ़िया तरीके से सेट करते हो, जब आप स्मार्ट गोल सेटिंग करते हो, जिसके बारे में अभी भी बात करेंगे, तो इट इज ईजियर टू मोटिवेट योर सेल्फ। क्यों? मोटिवेशन, जब चीजें सही जा रही होती हैं तब मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है। मोटिवेशन तब तो अपने आप चल रहा होता है कि भाई हाँ, टेस्ट में नंबर अच्छे आ रहे हैं, हाँ जी पढ़ाई हो रही है, दिक्कत नहीं आ रही। जब आप थक जाते हो, जब आपको कोई चोट लगती है, जब आप हार जाते हो, कहीं रुक जाते हो, दैट इज वेन यू नीड मोटिवेशन, ताकि भाई आप दोबारा उठो, दोबारा खड़े हो और दोबारा तैयारी चालू करो।
तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि भाई आप अपने आप को जानें कि भाई किस किस तरीके की परिस्थितियों में, सिचुएशंस में आप फेल करेंगे, किस किस सिचुएशन को आपको अवॉइड करना चाहिए ताकि भाई मतलब टकराव आए ही ना, दिक्कत हो ही ना। तो अगर आप अपने आप को जानते हैं तो इट विल बी ईजियर टू स्टे मोटिवेटेड एज वेल एज टू मोटिवेट योर सेल्फ वेन यू आर डाउन। दूसरी चीज, स्मार्ट गोल सेटिंग। स्मार्ट गोल का मतलब यहां पे क्या है कि भाई हमें गोल्स रखने हैं जो हैं स्पेसिफिक, हर एक के बारे में हम बात करेंगे, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलिवेंट एंड टाइमली। तो स्पेसिफिक गोल का क्या मतलब है? स्पेसिफिक गोल का मतलब यहां पे ये यह होगा कि भाई लेट्स से आपने बोला कि अगर यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरा सीएसई 2022 या सीएसई 2023 का प्लान देखा है, तो उसमें मैंने स्पेसिफिक गोल्स दिए हैं। आप उन गोल्स को मतलब देख सकते हो, स्टडी कर सकते हो। वहां पे क्या बोला है कि भाई इस मंथ में ये सब्जेक्ट कवर करेंगे, राइट? तो इट इज स्पेसिफिक। मैंने ये नहीं बोला कि मैं जीएस कवर करूंगा अगले 6 महीना, ये गोल स्पेसिफिक नहीं है। अगर मैंने बोला कि भाई इन द मंथ ऑफ अप्रैल, इन द मंथ ऑफ मई मैं पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत बुक कवर करूंगा, सो दैट इज अ स्पेसिफिक गोल। दूसरा, मेजरेबल, कि भाई आप अपने गोल को यस या नो के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। कि जैसे अभी हमने गोल रखा कि इन द मंथ ऑफ मई वी विल डू लक्ष्मीकांत, तो अगर आपने मई में ये कवर कर ली तो यस यू वर सक्सेसफुल, अगर आपने मई में ये नहीं कवर करी तो नो यू वर नॉट सक्सेसफुल। तो इज दिस गोल मेजरेबल? यस इट इज मेजरेबल। नेक्स्ट हम आते हैं अटेनेबल। तो अब जैसे मई का महीना हमने पूरा रखा है कि भाई 1 महीने में, 1 month में हम करेंगे लक्ष्मीकांत। अगर इंस्टेड ऑफ 1 month मैं बोलूं कि मैं करूंगा लक्ष्मीकांत 5 days में एंड पहली बार मैं वो किताब पढ़ रहा हूं, तो इट इज 1000 पेज बुक। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि भाई आप नहीं कर पाओगे। अगर आपने ऐसा प्लान बनाया है अपना कि भाई जब 5 दिन में आपको लक्ष्मीकांत उसमें करनी है और पहली बार आप वो किताब पढ़ रहे हो, सो दिस इज नॉट एन अटेनेबल गोल। आपको गोल्स अपने ऐसे रखने हैं जो आप कर पाओ। शुरू शुरू में भागने की जरूरत नहीं है, शुरू शुरू में आराम से इजी गोल्स से शुरुआत कीजिए ताकि धीरे धीरे आपकी कंसिस्टेंसी बनती रहे, धीरे धीरे आप उन गोल्स पे परफॉर्म करते रहें एंड धीरे धीरे आप अपनी नॉलेज बढ़ाते रहें। नेक्स्ट वी कम टू रेलेवेंट। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी कि भाई जब आप रेलेवेंट गोल्स रखते हो तो क्या होता है कि भाई लेट्स से आपने बोला पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत आप पढ़ोगे और उसके साथ साथ आप फिर लक्ष्मीकांत प्लस आप सुभाष कश्यप भी पढ़ोगे प्लस आप डीडी बासु भी पढ़ोगे। तो हालांकि ये सारी किताबें अच्छी हैं, बट क्या सारी किताबें पढ़ना जरूरी है? नहीं। क्यों? क्योंकि यूपीएससी में आपके पास सोर्सेज की कमी कभी नहीं है। आपको 10 किताबें और मिल जाएंगी जो भाई मतलब हर टॉपिक से डील करेंगे, सब कुछ आपको बताएंगी, बट आपको फोकस करना है कि भाई आप सिर्फ कम से कम रेलेवेंट चीजें पढ़ो। तो अगर आप लक्ष्मीकांत कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत करो। दैट इज हाउ यू चेक रेलेवेंस कि भाई मेरा जो गोल है, जिस तरफ मुझे जाना है, उसके लिए क्या मुझे 4 चीजें करने की जरूरत है या सिर्फ एक से काम चल जाएगा। तो दिस मीन्स रेलेवेंस। अपने गोल को चेक कीजिए कि भाई हाउ यूजफुल इज दिस गोल टू हेल्प यू अचीव योर ड्रीम। फाइनली टाइमली। तो टाइमली में क्या होता है कि भाई 1 महीने में, जैसे हमने देखा था थोड़ी देर पहले, तो इन द मंथ ऑफ मे इफ यू आर डूइंग लक्ष्मीकांत, राइट, एंड अगर आप सीएसई 2021 की तैयारी कर रहे हो तो आपका प्रीलिम्स लेट से होगा जून में। तो अगर मई के महीने में सिर्फ आप लक्ष्मीकांत कर रहे हो और जून में आपका पेपर है, तो क्या आप बाकी सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। तो इस तरीके से आपको अपना प्लान जो बनाना है वो भी टाइमली बनाना है। नाउ हाउ डज दिस ऑल कनेक्ट टू मोटिवेशन? जब आप स्मार्ट गोल सेटिंग करते हो तो
आप डेली बेसिस पे अपने टारगेट्स अचीव कर पाते हो, राइट? जब आप डेली बेसिस पे अपने टारगेट्स अचीव कर पाते हो तो आपको प्रोग्रेस दिखती है अपनी, आपको पता चलता है कि भाई हाँ आज इतना काम हो गया, हाँ इतने दिन में और काम हो जाएगा, हाँ मुझे दिख रहा है मैं अपनी मंजिल के पास जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो जब आप स्मार्ट गोल सेट करते हो तो आपको लाइन पे रहने एंड कंसिस्टेंसी बनाए रखने में आसानी होती है, विच हेल्प्स यू इन दी एंड स्टे मोटिवेटेड, राइट? एंड नाउ लेट्स कम टू कुछ बेसिक चीज़ें। ये सिंपल एक्सरसाइजेस हैं जो आप ट्राई कर सकते हो डेली बेसिस पे। मैं बोलूँगा कि भाई इन्हें ट्राई कीजिए ताकि आप मोटिवेटेड भी रहें और ज़िंदगी में थोड़ा खुश भी रहें। ऑब्वियसली बात है कि भाई अभी COVID-19 पैंडेमिक की वजह से जो सेकेंड वेव चल रही है, मतलब बहुत ही डेंजरस चीज़ है ये। घर पे रहिए, जो भी आपके घर वाले हैं, आपके मतलब चहेते लोग हैं, उनका ध्यान रखिए, बाहर मत निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए। एंड ये कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस हैं जो आप कर सकते हो टू स्टे मोटिवेटेड इन द पैंडेमिक एवरी डे। सबसे पहली एक्सरसाइज है बिगिन योर डे विद ग्रैटिट्यूड, कि सुबह सुबह उठते ही या तो कहीं से लिख सकते हो या तो फोन में या किसी पेपर पे, या भी मतलब सिर्फ सोच के भी आप इन चीज़ों के बारे में, मतलब दैट इज ऑल्सो इनफ, बट बिगिन योर डे विद ग्रैटिट्यूड। सुबह सुबह तीन उन चीज़ों को याद करो जिनके लिए आप शुक्रगुजार हो। इससे क्या होता है कि भाई स्ट्रेस निकल जाती है सुबह सुबह। सुबह सुबह सबसे पहले याद करो कि भाई तीन चीज़ों के लिए जो आप शुक्रगुजार हो। ये तीन चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, ये भाई आपका परिवार हो सकता है, ये भाई कि भाई मतलब सवेरे सवेरे घर पे आपकी फेवरेट सब्जी बनी है, या मतलब आज मौसम अच्छा है, कुछ भी हो सकता है, बट तीन चीज़ों को याद करो जिनके लिए आप शुक्रगुजार हो। दूसरी चीज, सिंपल एक्सरसाइज, ऑब्स्टिकल्स को अपॉर्चुनिटी की तरह देखो, कि भाई आपको कहीं रास्ते में रोड़ा मिलता है, कोई दिक्कत आती है, तो उसमें देखने की कोशिश करो कि इससे आप और बेहतर कैसे हो सकते हो, इससे आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हो। ये ऑब्वियसली बात है, मतलब बोलना आसान है, जब आप प्रैक्टिस में करोगे तो इट विल टेक टाइम, धीरे धीरे ये प्रैक्टिस बनेगी। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, बट एक महीना अगर आप डेली बेसिस पे ये प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका माइंडसेट थोड़ा शिफ्ट होगा। जब आपका माइंडसेट पॉजिटिव हो जाता है तो इट इज ईजियर टू स्टे मोटिवेटेड। नाउ इसमें दो चीजों की बात हम करेंगे कि भाई देर इज टॉक्सिक पॉजिटिविटी एंड देर इज प्रैग्मेटिक पॉजिटिविटी। टॉक्सिक पॉजिटिविटी क्या होती है कि भाई मतलब वो फंडा जो होता है कि भाई कुछ भी हो जाए बस हंसते रहो सब सही हो जाएगा, भाई ये नहीं होता ऐसे, सिर्फ हंसते रहने से चीजें सही नहीं होती। प्रैग्मेटिक पॉजिटिविटी ऑन दी अदर हैंड मीन्स कि भाई हाँ अभी जीवन में दिक्कत है, मैं इस पे हंसूंगा या मुस्कुराऊंगा तो ये दूर नहीं जाएगी, पर थोड़े टाइम बाद ये चली जाएगी। दिक्कत हो या जिंदगी में खुशहाली हो, कुछ भी हो, समय बदलता है, समय के साथ आपकी परिस्थिति बदलती है। तो प्रैग्मेटिक पॉजिटिविटी यहाँ पे ये कहती है कि भाई जो भी मेरी अभी दिक्कत है, मुझे पता है मे बी शायद एक हफ्ते में या एक महीने में या 5 साल में ये दिक्कत नहीं रहेगी, मैं क्या कर सकता हूँ ताकि ये एक हफ्ता है जो 2 दिन 3 दिन हो जाए, एक महीना है जो वो एक हफ्ता हो जाए, 5 साल है वो जो एक साल हो जाए। सो दैट इज प्रैग्मेटिक पॉजिटिविटी, कि भाई आप सेटबैक में अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, बट सिर्फ सिर्फ ये नहीं बोल रहे हो कि नहीं 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 मतलब हंसते रहो सब सही हो जाएगा। हंसते रहने से सब सही नहीं होता है, आपको तरीका भी निकालना होता है कि भाई कैसे हम आगे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इस माइंडसेट ने ये सिखाया है कि जो भी हमारी अभी परिस्थिति है वो आज नहीं तो कल बदलेगी, एंड उस बदलाव को कैसे हम मदद कर सकते हैं। एंड फाइनली मेडिटेट एवरी डे फॉर 10 मिनट्स एंड एक्सरसाइज एवरी डे फॉर 30 मिनट्स। मतलब दिस इज नॉट जस्ट एसेंशियल, COVID-19 पैंडेमिक के चलते आपको अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग तो बनाना ही चाहिए एक्सरसाइज करके। ये इन जनरल भी एक अच्छी बात है कि भाई आप फिजिकली फिट रहो तो आप मेंटली भी फिट रहते हो, एंड मेडिटेशन विल हेल्प यू स्टे मेंटली अलर्ट फिट। इट विल ऑल्सो हेल्प यू इंक्रीज फोकस,
जो कि इवेंचुअली आपकी पढ़ाई में भी मदद करेगा। तो ये कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस हैं जो आप एवरीडे घर पे कर सकते हो, जिनके लिए आपको कोई अलग से मतलब इंस्ट्रूमेंट टेक्निक कुछ नहीं चाहिए। इनको आप डेली बेसिस पे एवरीडे प्रैक्टिस करते रहोगे तो इन टाइम इट विल बी ईजियर टू मोटिवेट योर सेल्फ। वाई? बिकॉज आपका माइंडसेट पॉजिटिव होगा। दिस टेक्स प्रैक्टिस, कल नहीं होगा, एक हफ्ते में नहीं होगा, बट एक महीना अगर आप रोज इसे करते रहे तो आपको बेनिफिट्स खुद ब खुद दिखाई देंगे। एंड फाइनली बहुत ही एक सिंपल सी चीज़ है स्ट्रीक्स के बारे में, कि भाई लेट्स से आप डेली बेसिस पे 1% इम्प्रूव करते हो, अगर आप एक साल तक रोज 1% इम्प्रूव करते रहो तो बाय द एंड ऑफ द ईयर आप 37 गुना आगे जा चुके होगे अपने करंट स्टेटस से। एट द सेम टाइम अगर आप डेली बेसिस पे कोई प्रोग्रेस नहीं करते और कोई पीछे नहीं जाते कि भाई मतलब खराब भी नहीं कर रहे, बढ़िया भी नहीं कर रहे, तो जहां आपने साल शुरू किया था वहीं आप साल खत्म करोगे। एंड अगर आप रोज -1% होते हो तो एक साल के बाद आप सिर्फ और सिर्फ 0.03 रह जाओगे जितना आपने शुरू किया था। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंड इंटरेस्ट आप जानते ही होंगे, तो ये कंपाउंडिंग की शक्ति है कि जितना ज्यादा आप अपने आप को अंदरूनी तरीके से मोटिवेट कर पाते हो, जितना ज्यादा आप ये कुछ बेसिक एक्सरसाइज जो मैंने बताई हैं ये रेगुलर बेसिस पे करते हो, उतना ज्यादा लॉन्ग टर्म में आपके लिए फायदा होगा। एक दिन में कोई फायदा नहीं होगा, हफ्ते भर में कोई फायदा नहीं होगा, महीने में आपको बेनिफिट दिखने लगेगा, साल भर अगर आप करते रहे तो यू विल बी अनस्टॉपेबल। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी मोटिवेशन के बारे में, एंड इन जनरल आप अपनी यूपीएससी तैयारी के बारे में किस तरीके से सोच सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। इफ सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। एंड स्टूडेंट 2.0 चैनल पे मैं रेगुलर बेसिस पे ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ, आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड किसी का कोई डाउट या क्वेरी है तो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सबके मैसेजेस का रिप्लाई करूँ, थोड़ा टाइम लग सकता है बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।